नमस्कार, फटाफट न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में वीर सावरकर को लेकर बांटा गया आपत्तिजनक साहित्य। किताब में सावरकर को लेकर निजी हमले, संघ को बताया तानाशाह संगठन। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़की उमा भारती का कि कांग्रेस को मानसिक इलाज की जरूरत, बताया कांग्रेस की घिनौनी मानसिकता। वीर सावरकर के बहाने भाजपा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरा, कहा कि देखना होगा कि भाई उद्धव ठाकरे अब भी कांग्रेस के साथ है या धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। संजय राउत बोले, सावरकर के बारे में बोलने वालों को दिमागी इलाज की जरूरत। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वीर सावरकर को बताया देशभक्त, कहा कि क्रांति वीर शहीदों को अपमान करके देश को भ्रमित करने की चाल चल रही है कांग्रेस। भगवा को लेकर उमा भारती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कसा तंज, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नेहरू गांधी परिवार जय श्री राम भी बोलेगा। भगवा को लेकर बदल रहे हैं कांग्रेस के विचार। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती, अगर कानून पड़ा हो तो कभी भी चर्चा के लिए आ जाओ। कांग्रेस पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली में फिर सड़क पर उतरे जामिया के छात्र, मंडी हाउस में जंतर मंतर तक पैदल मार्च, बंगाल में सड़क पर जारी है ममता का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में हिंसा में पीएफआई संगठन के शामिल होने के पुख्ता सबूत, यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का दावा, कहा कि अब तक 25 सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ में हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ को मिली जमानत। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस ने एसआर दारापुरी को किया था गिरफ्तार, प्रियंका ने की थी आलोचना। राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत पर तेज हुई सियासत, मायावती ने गहलोत सरकार को की बर्खास्त करने की मांग, भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। भारी हंगामे के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का किया दौरा, अब तक 104 बच्चों की हो चुकी है मौत, अस्पताल को चमकाने में जुटा अस्पताल प्रबंधन, मंत्री के लिए बिछाए रेड कार्पेट। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी पर माइन ब्लास्ट, एक लेफ्टिनेंट सहित 4 जवान घायल, पुंछ सेक्टर में भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी बयानबाजी का सिलसिला, कच्ची कॉलोनियों को लेकर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाए झूठ बोलने के आरोप। इंदौर में कमिश्नर के घर के बाहर धरने पर बैठे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, निगम पर लगाया बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप, अफसरों को दी चेतावनी। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा कि प्रयोगशाला से ही निकलेगा प्लास्टिक का विकल्प। अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का हमला, ईरान के मिलिट्री जनरल सुलेमानी समेत कई की मौत, ईरान ने दी बदला लेने की चेतावनी। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स में 162 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 55 अंक लुढ़का। उत्तर भारत को नहीं मिल रही सर्दी के सितम से राहत, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का कहर, महाकौशल के कई इलाकों में भारी बारिश। प्रियांक शर्मा और रीवा किशन की फिल्म सब कुशल मंगल आज हुई रिलीज, कंफ्यूज स्क्रीन प्ले, उबाऊ कहानी, हद से ज्यादा लंबी और ओवर एक्टिंग का शिकार नजर आई फिल्म, वेब दुनिया की ओर से एक स्टार। 2019 की आखिरी रिलीज गुड न्यूज को दर्शकों ने किया पसंद, पहले सप्ताह में फिल्म ने किया 127.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन, मल्टीप्लेक्स और बड़े शहरों में फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी। फटाफट न्यूज में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए वेब दुनिया.com पर, और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।